चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक और नई स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट का नाम है पुनीत कौर, जिसकी ऑल इंडिया 233 रैंक है और एनआईटी कैलीकट अलॉट हुआ है पुनीत को। पुनीत, सबसे पहले इस रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। पुनीत का इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि पुनीत के फैमिली में, मतलब इसको काफी गाइडेंस था, क्योंकि ऑलरेडी इसकी सिस्टर लास्ट ईयर सिमरन जो है वो सूरतकल में पढ़ रही थी। किरण का मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू लिया, जिसकी 83 रैंक है, जिसको एनआईटी सूरतकल मिला है और अब आपको एनआईटी कैलीकट मिला है। तो आपकी फैमिली में काफी एजुकेशन का अच्छा एक एटमॉस्फेयर है और पुनीत ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो पुनीत, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? आपका तो, आपको तो गाइडेंस स्टार्टिंग से मिला है, तो आप अपने लाइफ में जो जो चीजें आपको मिली अपनी फैमिली से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मतलब मेरे को बेसिकली मैंने सेकेंड ईयर में ही सोच लिया था कि मेरे को एमसीए करना है। तो और सिमरन मतलब सिमरन मेरी सिस्टर, मतलब वो तो कोचिंग ले रही थी एमसीए के लिए। तो मतलब उसने 2019 जब दिया एमसीए, तो मतलब उसने बोला कि मतलब बिना कोचिंग ही हो जाएगा। तो फिर मतलब उसने बोला सारा सब कुछ सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर है और कंसिस्टेंसी के ऊपर ही है। मतलब बाकी मतलब वो तो था ही, मतलब मोटिवेशन तो बहुत ज्यादा ही था कुछ, तो उससे ही मतलब सब कुछ हुआ। और मतलब मैंने बेसिकली मैंने एक ही बुक को फॉलो किया और मैंने आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया था कम्प्लीटली। मतलब इनिशियली तो मैंने सारे अपने डाउट्स जो थे, मतलब पहले सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे अपने जो मेरे वीक थे। मतलब जैसे कोनिक सेक्शन में बहुत मेरे को प्रॉब्लम आती थी ट्वेल्थ में भी, तो मतलब मैंने वो पहले तो वो सॉल्व किया, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग किया उस टॉपिक को अपने। और मतलब मैंने सारे अपने टॉपिक्स जो वीक टॉपिक्स थे उनको पहले स्ट्रॉन्ग बनाया, फिर उसके बाद मैंने आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव की, मतलब मैंने एक बार तो कम्प्लीटली सॉल्व कर ली हो। फिर उसके बाद मतलब सेकंड राउंड मैंने जब उसको सॉल्व किया, तो मतलब मैंने सिर्फ वही क्वेश्चंस किए जो मुझसे नहीं बन रहे थे। तो मतलब फिर भी उससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था कि, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस जो थे मेथड से सॉल्व करती थी बेसिकली। तो मतलब फिर मैंने सर्च किया और फिर मैंने इम्पीटस की मतलब इम्पीटस गुरुकुल की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मतलब वो मैंने जून में ज्वाइन कर ली थी, जून 2018 में ज्वाइन कर ली थी मैंने वो। और फिर मतलब जनवरी में मतलब मैंने बेसिकली मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए थे जनवरी में। और मतलब मेरे को लग रहा था स्टार्टिंग में, मतलब फरवरी मार्च में, मतलब मुझे लग रहा था कि मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं पैनिक हो जाती थी मॉक टेस्ट में। तो मतलब फिर मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया अपना, मतलब अपने आप को खुद एनालाइज किया कि कैसे मतलब कहाँ पे मैं वर्क कर सकती हूँ। मतलब मैं सारे क्वेश्चन बेसिकली मेथड से सॉल्व करती थी। तो सर आपने भी काफी हेल्प की उसमें कि मतलब हर क्वेश्चन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिकली सारे क्वेश्चन होते वो मैं फॉर्मूला से करती थी बेसिकली सारे क्वेश्चन। बट फिर मेरे को पता लगा कि एंगल से भी मतलब बहुत इजीली हो जाते हैं क्वेश्चन। मतलब ऐसे मैंने काफी अपने आप को मतलब बहुत इजी वे से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। देखो पुनीत, आपके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके घर में खुद आपकी सिस्टर ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो गाइडेंस की कोई कमी नहीं थी, आपने सेल्फ स्टडी भी कर ली। पर क्या होता है, जैसे जब आप ऑनलाइन जुड़ गए और आपने पढ़ाई चालू की, तो कई सारी टेक्निक्स जो डेवलप होती है उसने आपको काफी हेल्प किया, आपको और आपके सिस्टर को, और उसके वजह से आपको ये एक अच्छा रिजल्ट भी मिला। अच्छा, आप फाइनल ईयर में थे तो आप कॉलेज भी रेगुलर जाते थे या कॉलेज नहीं जाते थे? नहीं सर, रेगुलर जाते थे कॉलेज, मतलब उसका तो कोई इशू नहीं था। वो तो लास्ट मतलब सेमेस्टर की पढ़ाई तो मतलब मैं लास्ट के एक महीने में भी हो जाती थी। मतलब मैंने अपना मेन फोकस निमसेट पे रखा था सारा। मतलब बेसिकली मेरे साथ क्या होता था कि मैं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती थी जब मॉक टेस्ट देती थी। तो मतलब मैंने बेसिकली उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया अपना कि मतलब मॉक टेस्ट के टाइम पे मतलब पैनिक नहीं होना है, क्योंकि मतलब फिर वही सारा रिजल्ट खराब कर देता है। मतलब मेरे साथ क्या हुआ था, मतलब मेरे एग्जाम डे पे भी मेरा मतलब सिस्टम जो था वो ऑफ हो गया था, तो उससे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। और मतलब सिस्टम चेंज किया तो क्या हुआ कि उसका जो नया सिस्टम था उसका भी माउस खराब था, तो मतलब उससे थोड़ा पैनिक हो गई। तो मतलब मैं अपने जूनियर्स को यही सजेशन दूंगी कि आप प्लीज पैनिक ना हो ऐसी। देखो कितनी अच्छी बात बोली, अक्सर ऐसा होता है कि हम जिन चीजों से हमेशा परेशान होते हैं वो आखिरी तक भी परेशान करती है। और पुनीत, आपने ये एक्सपीरियंस लिया है, बहुत बच्चे जैसे आप टेस्ट पेपर्स रेगुलर देते थे इम्पीटस में, फिर एनालिसिस भी करते थे, तो आपको जो प्रेशर होता था, मैं हर बार आपको समझाता भी था, तो या बाकी सब बच्चों को, तो आपसे मैं ये चाहूंगा, अभी भी ऐसा होता है जो बच्चे अब आपके जूनियर ज्वाइन किए उनको भी टेस्ट पेपर देते हैं, स्कोर नहीं आता, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्योंकि टेस्ट पेपर में मैं हमेशा बोलता हूँ कोई एक टेस्ट पेपर से स्कोर नहीं होगा, धीरे धीरे वो क्यूमुलेटेड बढ़ेगा, पर हम एकदम प्रेशर में आ जाते हैं, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपके साथ भी ये सिचुएशन आपने फेस की है? सर अगर मेरा स्कोर नहीं आता था तो मैं
करती थी कि अपने पेपर को प्रॉपरली एनालाइज करती थी, मतलब जितने 50 सारे क्वेश्चन होते थे वो सारे दोबारा सॉल्व करती थी और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मुलेस लिखती थी मतलब ब्लैंक शीट पे. और मतलब उससे काफी फर्क पड़ता था क्योंकि उसे मतलब मैं ये भी नोट करती थी कि उस क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन जो थे उसमें मतलब मुझसे कौन से नहीं बने और उसमें से मुझे मतलब मेरे कौन से टॉपिक स्ट्रांग है और उनके सब टॉपिक्स मतलब उसका टाइप भी नोट करती थी कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बने बट ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग है. तो फिर मैं उसके सारे क्वेश्चंस उसके सारे टाइप्स नोट करती थी और फिर उसकी उसकी प्रैक्टिस करती थी. फिर नेक्स्ट संडे जो नेक्स्ट संडे मॉक देती थी फिर उसमें वो इम्प्रूवमेंट होता था मेरा. मतलब बेसिकली मैं हर एक क्वेश्चन के से रिलेटेड जो मुझे फॉर्मूले आते थे ना उसको मैं ब्लैंक पेपर पे नोट करती थी. मतलब उससे काफी फायदा हुआ, मेरे सारे फॉर्मूले टिप्स पे थे और ऐसे मतलब मैंने किया. देखो ये कितनी अच्छी बात आपने बोली और मैं हमेशा बोलता हूँ क्या होता है कि पहले हमारा टेस्ट पेपर में स्कोर कितना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उस पेपर का एनालिसिस, उसमें की गई मिस्टेक, जो फॉर्मूले रिवीजन, अगर ये एक प्रॉपर वे में करते जाएं हम तो डे बाय डे हर पेपर हमारे लिए ऐड होता जाता है और इन द एंड हम कई बार कम से कम 100 200 300 पेपर दे चुके होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होता है. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो पुनीत ने बोली. तो मैं सभी लिसनर जो ये सेशन सुन रहे हैं आप ध्यान रखिए कि जब आप कोई टेस्ट देते हैं तो उस टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना और सेल्फ असेसमेंट करना. जैसे अभी आपने बोला कि ब्लैंक पेज पे फॉर्मूला लिखते थे, ब्लैंक पेज पे फॉर्मूला लिखना मतलब हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है. तो मतलब सर ऐसा होता था पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाता था, मतलब ब्लैंक पेपर पे फॉर्मूला लिखने से ऐसा लगता था कि हर संडे को मैं पूरी मैथ्स का क्विक रिवीजन कर रही हूँ. बिल्कुल सही है, यही ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो जब संडे को टेस्ट पेपर आप देते थे इम्पिटस वाला, उसके बाद आप कितने समय एनालिसिस को देते थे? सर मैं पूरा दिन ही एनालिसिस को देती थी, मतलब पूरे डे एनालिसिस करती थी और फॉर्मुलेस मतलब उसमें सारा टाइम लगता था, मतलब मैथ्स का एनालिसिस और फिर कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए तो उन टॉपिक्स को रिवाइज करती थी. उसी का ये देखो आपके सामने का आज इतना अच्छा रिजल्ट है क्योंकि आप जो संडे टेस्ट पेपर दे के जो होल डे आप उसका सेल्फ एनालिसिस करते थे, फॉर्मुले का रिविजन करते थे, तो हर संडे आप एक तरह से पूरी मैथ्स का रिविजन करा फिर हर संडे करा, तो ये धीरे 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 क्यूमुलेटेड होते हुए आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ. तो आपके हर संडे के बाद प्रतीक सर भी मंडे को बताते थे कि मतलब किस मतलब कितना स्कोर होना चाहिए और आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो मतलब वो भी काफी हेल्पफुल था मेरे लिए. चलो ये बहुत अच्छी बात रही पुनीत, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और सबसे खास बात है कि आपकी फैमिली में मतलब आप तीसरी सिस्टर, आप तीन सिस्टर हो जो तीनों के तीनों एमसीए कर रहे हो और आप दो सूरतकल में हो और एक आप कैलीकट में हो, तब ऐसे वहां पे भी जाके खूब अच्छा परफॉर्म करो और आगे बढ़ो जीवन में और अपने जूनियर्स को भी इसी तरह मोटिवेट करो. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू बेटा.